तो पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए सियासत पुरजोर तरीके से चल रही है, वार पलटवार का दौर चल रहा है। इसी बीच पंजाब की राजनीति में पाकिस्तान और इमरान खान की एंट्री हो गई है। अगर मिस्टर सिद्धू काम नहीं करेगा तो निकाल देना। मैं और कहां से पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, आई एम टेलिंग अबाउट पाकिस्तान। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के सर्द माहौल को अपने चुनावी दांव से गर्म कर दिया है। अपने बयान में अमरिंदर ने दावा किया है कि सिद्धू को उनके मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए पाकिस्तान से सिफारिश आई थी। 70 दिन के लिए उसने एक फाइल नहीं पूरी की थी, तो मैंने उसको बुलाया 2-3 बार और मैंने कहा तू अगर ऐसे काम करेगा तो जा कहीं और यू कैन आई कैन गिव यू पावर, यू वांट पावर यू कैन टेक इट। ही सेड आई डोंट वांट पावर, आई सेड देन यू नीड माय गवर्नमेंट, आई डोंट वांट यू इन माय गवर्नमेंट। ये हुआ, फिर मुझे कुछ आई थिंक इट वाज अबाउट 2-3 वीक्स और 4 वीक्स लेटर और समथिंग लाइक दैट, आई गेट अ मैसेज फ्रॉम समबडी वी नो, ही नोज एंड आई नो, एंड उसे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर सिद्धू को आप अपने गवर्नमेंट में ले सकते हो तो ले लो और अगर काम नहीं करेगा निकाल देना। ये मैसेज था मेरे लिए, मेरा अगर मिस्टर सिद्धू काम नहीं करेगा तो निकाल देना। मैं और कहाँ से पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आई एम टेलिंग अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज़ सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ़ यू कैन टेक सिद्धू इन टू योर कैबिनेट ही आई विल बी ग्रेटफुल, ही इज़ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, और अगर आप अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना। दैट वॉज वॉट द मैसेज विच केम। सिद्धू के खिलाफ कैप्टन ने अपना ये चुनावी दाव दिल्ली में बीजेपी दफ्तर से चला, जिसकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। बीजेपी ने इस खुलासे और सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा के विवादित बयान पर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। कॉन्स्पिरेसी जो पंजाब में चल रही है उसका पार्ट है। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा है कि किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री कैप्टन साहब के मंत्रिमंडल में शामिल कराने के लिए पाकिस्तान से दबाव आता था, उन्होंने मीडिया के सामने इसको विस्तार से रखा है। मुझे लगता है कि एक बहुत लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए हो जाता है कि न तो इसका खंडन बयान देने वाले ने किया है, न जिनका वो अपने आप को एडवाइजर कहते हैं उन्होंने किया है, न कैंडिडेट जो उनकी पत्नी है जो पंजाब सरकार की पूर्व मंत्री है उन्होंने खंडन किया है, न ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने अध्यक्ष के नाते किया है, न ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उसका खंडन किया है। सब लोगों ने मूक सहमति इस पे जो है अपनी तरफ से इसके ऊपर दी है। किस तरह से देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के इस लड़ाई के लिए देश के लिए लड़ाई लड़ने वाली सेना का मनोबल टूटा होगा जब उनको ये जानकारी मिली होगी कि एक सत्ता हासिल करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू ने किस कदर अपने दुश्मन से भी हाथ मिलाने का काम किया। यूपी से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ यादव ने भी मामले पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस पाकिस्तान के संबंध में हमेशा असमंजस की स्थिति में रही, कांग्रेस के लोगों के उनके लोगों के साथ संबंध रहे, तो ये बहुत गंभीर मसला है। सरकार को जो है इसका इस पर ध्यान देना चाहिए, इसकी जांच करानी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि अमरिंदर पाकिस्तान वाला बयान बीजेपी की शह पर दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी चुनाव में पाकिस्तान के बहाने राष्ट्रवाद का कार्ड खेल रही है। कैप्टन साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं मुझे लगता है शर्मनाक है, इस तरह की बातें करना गलत है, और अगर ऐसा था तो आपने ये क्यों किया? कैप्टन साहब दिल्ली जाके भाजपा के मुख्यालय से कुछ बोलते हैं तो मुख तो उनका होता है, लेकिन जो बोली और भाषा है वो उनकी नहीं भाजपा की होती है, क्योंकि वो भाजपा के मुख्यालय में थे। बता दें कि पंजाब में अमरिंदर सिंह की पार्टी और बीजेपी का गठबंधन है। पंजाब में विधानसभा की 117 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 65 सीट पर चुनाव लड़ेगी, पंजाब लोक कांग्रेस 37 सीट पर चुनाव लड़ेगी और सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी अकाली दल संयुक्त 15 सीट पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब की सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू हो रहा है, जिस पर 20 फरवरी को मतदान होगा, नतीजे 10 मार्च को आएंगे।
देखिए पंजाब में सियासी घमासान चढ़ा हुआ है और इसी बीच खबर आ रही है कि राहुल गांधी पंजाब का दौरा करेंगे। 27 तारीख को राहुल गांधी पंजाब पहुंचेंगे और दलित बहुल दुआबा इलाके से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। पंजाब में 27 की शाम 4 बजे राहुल गांधी वर्चुअल रैली को भी संबोधित करेंगे। एक तरफ तो पंजाब में सियासी घमासान चल रहा है और दूसरी तरफ ये बड़ी खबर है कि राहुल गांधी अब 27 तारीख को पंजाब पहुंचेंगे, जहां वो दुआबा इलाके से एक तरीके से पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। ABP News, आपको रखे आगे।